ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर वॉटर ट्रीटमेंट। लेट मी शेयर माई स्लाइड्स। नए बच्चे जो आए हैं, ठीक है, नए बच्चों के लिए मेरा नंबर भी लिख देता हूं मैं, 9825086765, ठीक है, दिस इज माई मोबाइल नंबर। सो प्लीज इफ पॉसिबल ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी विथ मेल ओनली। So now let's go for the water and its treatment. We know that water is very important thing, right? So till 11th, 12th, आप लोगों ने water के बारे में बहुत कुछ जाना है. Are you able to see the screen? मेरा screen दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So now. Water treatment is very important application. Remember, water treatment, I will say, you need to learn how to treat the water. Definitely, little bit chemistry will be involved, but not that much of atomic or subatomic level chemistry, right? 11th, 12th तक, मैं तो बोल रहा हूँ, आप KG से पानी के बारे में पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? 11th, 12th तक आपने पानी के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या पढ़ा? तो पहली बात, पानी क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, इट्स अ मॉलिक्यूल। उसका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, मतलब क्या बोलते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ा आपने। उसके बाद उसका बॉन्ड एंगल क्या है, ये सारी चीजें पढ़ी। ऑर्बिटल्स कौन से हैं, क्या क्या लोन पेयर है, क्या नहीं है, ऑल यू हैव लर्न। अब टाइम है इसकी एप्लीकेशन के बारे में जानने का। तो पानी की एप्लीकेशन क्या है, वो सारी चीजें हमको पता है, दैट वी नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट, राइट। सो सबसे पहले तो हम लोग ये चीजें पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, हार्डनेस ऑफ वाटर, डिटरमिनेशन ऑफ हार्डनेस, वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक्स, बॉयलर फीड वाटर एंड बॉयलर प्रॉब्लम्स। आउट ऑफ दीज, बॉयलर फीड वाटर एंड बॉयलर प्रॉब्लम्स, इट इज इन योर सेल्फ स्टडी पोर्शन, बट आई विल टेक वन लेक्चर फुल to cover all these topics so that it will become easy to prepare it in even self study, right? Don't worry. सबसे पहले हम बात करते हैं सर। यस यस, शायद कुछ दूसरी आवाज आ रही है, इसलिए आपकी आवाज प्रॉपर सुन नहीं रही भाई। मेरे आजू बाजू तो कोई भी कुछ भी आवाज नहीं कर रहा है। अभी डिस्टर्बेंस सबको आ रही है क्या? किसका माइक चालू है? अब आवाज कम हुई? हाँ सर, अब नहीं आ रही है। हाँ, मतलब ये किसका माइक चालू होगा शायद, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है शुरू शुरू में सब होता है, सब ऑनलाइन में थोड़ा बहुत अपने को, दीज आर ऑल डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन स्टडीज। वापस आ गया, ये कैसे हो गया? आई गेस वो आपका माइक है, वो थोड़ा सा हिल रहा है, जस्ट सीरीज है। एक मिनट, यस, आई थिंक अब मुझे समझ में आ गया कहाँ पर है। यस, यू आर राइट। अब आ रही है आवाज, बताइए। अब नहीं आ रही है। ओके, समझ में आ गया। मेरा जो माइक्रोफोन था ना, वो मेरे आईडी कार्ड से टच होके कट 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 हो रहा था, वो करेक्ट, मैं हिलता था ना, तो फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, दैट इज वेरी ट्रू। इट्स अ वेरी गुड सॉल्वेंट, ग्रेट सॉल्वेंट। यू नो दैट वाटर इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इट इज यूज फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रियल पर्पज, म्युनिसिपल सप्लाई पर्पज, राइट। It is again very, very useful for the production of electricity. Water also, it is used and important for different industries like chemical plants, paper industries, textile, steel, food, agricultural, pharmaceutical, dyes, number of, and atomic reactors. Again, it is used for the irrigation purpose. ये सारी चीजें हमको पता है, जस्ट मैं थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड। वाइडली इट इज यूज इन डोमेस्टिक पर्पस, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, सैनिटरी, ऑल दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ वाटर। अगेन द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट
इवन दो वॉटर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट बाय द गॉड यू नो, अपनी पानी अपनी जो अपना जो पृथ्वी है वो तो पानी में डूबी हुई है एक्चुअली अगर देखें तो, ठीक है, कितने परसेंट पानी है इसमें पूरे ग्लोब में, अर्थ पे कितना परसेंट, 70%, मतलब के 3/4 इज योर वाटर एंड 1/4 इज योर लैंड, राइट। तो इसमें तो ऐसा होना चाहिए कि पानी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट यू नो बच्चे मतलब लोग बोलते हैं कि अभी अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा ना तो पानी के लिए होगा, ऐसा लोग बोलते हैं, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, राइट। क्यों? क्योंकि पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक नहीं है, वो पीने लायक नहीं है ना पानी, इट इज यू नो 1-2% मैक्स टू मैक्स सोर्सेस जो है अवेलेबल है जो यूज कर सकते हैं हम लोग, रेडी टू यूज जिसको बोलते हैं, राइट। तो अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि आप लोगों को थोड़ा बी रेडी फॉर द आंसर, राइट। देखते हैं कि कितना आपको पानी के बारे में नॉलेज है, आप लोग तो सालों से पढ़ते आ रहे हो पानी के लिए, तो पानी के बारे में कितना नॉलेज है ये बताइए मुझे। चलिए फर्स्ट थिंग इज कि हाउ मेनी सोर्सेज आर देयर फॉर वॉटर, पानी के कितने सोर्सेज हैं, पानी का सोर्स पूछा है मैंने, ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि ड्रिंकिंग या कुछ भी। ग्लेशियर सबसे बड़ा सोर्स तो ओशंस और सीज़ हैं, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ओशंस, रेन्स, ओशन, रिवर्स, लेक्स, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, राइट, अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड और अंडरग्राउंड, ठीक है, ओके, और कुछ, वेल, वेल, या ओके, रेन वाटर, ठीक है, ठीक है, ओके। Let me tell you very clearly, there are two sources of water basically. इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो बताया वो गलत है, it is not wrong, but there are two sources of water. The first source is called surface water and the second source is called ground or underground water. किसी बच्चे ने अभी बताया underground water, तो अब हम समझते हैं कि what is the meaning of surface water, वॉट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड वॉटर। तो सरफेस वॉटर का मतलब होता है दैट इज विच ऑन सरफेस, अर्थ के सरफेस पे मिलता है, देख रहे, वी कैन सी, जैसे रेन वॉटर, रेन वॉटर को अलग कैटेगरी में भी डाला गया है, लेकिन रेन वॉटर अल्टीमेटली तो सरफेस पे आने वाला है प्लस वो ग्राउंड में भी जाने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट इज योर रेन, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ओशंस, वॉटरफॉल, ये सारी चीजें आपकी सरफेस पे है, सरफेस पे है जिसमें से नदी में से हम बकेट भर सकते हैं, समंदर में से बकेट भर सकते हैं, दैट इज सरफेस वाटर, राइट, क्लियर। दूसरा पानी है अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर इज समथिंग विच वी कैनॉट सी, जैसे के अंडरग्राउंड स्प्रिंग वाटर्स होता है, आपको पता है ऊपर जैसे झरने हैं जमीन के ऊपर, वैसे जमीन के नीचे भी झरने हैं। हम बोरवेल जब खोदते हैं तो क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे हम खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, होल करते जा रहे हैं, डिगिंग करते हैं, जहां पानी निकलता है वहां पर हम स्टॉप हो जाते हैं, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इफ यू कैन कंसिडर रिवर, यू कैन कंसिडर वॉटरफॉल, यू कैन कंसिडर स्प्रिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, Similarly, there are different types of water underground the earth, underground the earth, right? It means what? That जैसे नीचे ऊपर नदियां दिख रही है वैसे जमीन के अंदर भी नदियां बह रही है नीचे नीचे से, तभी तो हम जब बोरवेल खोदते हैं तो कहीं ना कहीं तो नदी को पकड़ता है, तो वो प्रेशर से बाहर आता है पानी और वो पानी हम फिर बोरवेल में यूज करते हैं या बाहर ला के यूज करते हैं। वेल्स, कुआं कैसे खोदा जाता है, कुआं भी ऐसे ही खोदा जाता है कि वहां देखते हैं कि ये जमीन अच्छी है, वहां पर खोदेंगे तो पानी निकलता है, तो नीचे कहीं ना कहीं वाटर सोर्स इज देयर, सो दे आर नोन एज ए अंडरग्राउंड वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सोर्सेज ऑफ वाटर बेसिकली तीन है,
एक रेन वाटर है, ठीक है, रेन वाटर अल्टीमेटली तो जमीन पे ही आने वाला है. सेकेंड इज अ सरफेस वाटर एंड थर्ड वन इज अ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर का यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं बताया, लेकिन सरफेस वाटर में आप बोल सकते हैं लेक, रिवर, सी, पॉन्ड, राइट, वाटरफॉल, ये सारी चीजें आ सकती है. और ग्राउंड वाटर में जैसे मैंने बताया वेल है, ट्यूबवेल है, स्टेपवेल है, स्टेपवेल जिसको हम बोलते हैं वाव, गुजराती में वाव बोलते हैं, ये अडालज की वाव है ना, वहां पर आप जाके देखो कभी तो पता चलेगा. तो वो भी खोद के ही निकाला हुआ पानी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. देन अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स, आप लोगों ने हॉट वाटर स्प्रिंग्स कभी देखा है तो वहां पर देखा होगा कि गर्म पानी जमीन में से निकलता है, वो भी अंदर से निकलता है, सल्फर वाटर स्प्रिंग जिसको बोलते हैं. ठीक है, सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ वाटर. चलिए अब हम सोचते हैं कि इम्प्योरिटीज के बारे में बात करते हैं. तो पानी में इंप्योरिटीज कितने टाइप की होती है, कैन यू टेल मी? यस, टू टाइप्स की होती है मोस्टली, सोल्यूबल इंप्योरिटीज और इनसोल्यूबल. सोल्यूबल इंप्योरिटी और इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज. आप लोग 2/3 सही हो, 1/3 गलत हो. 2/3 सही हो, 1/3 गलत हो. कैसे? तो आपने एक इम्प्योरिटी छोड़ दी, वो है माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, आल्जी है. ठीक है, ये सारी इम्प्योरिटीज भी एक टाइप की इम्प्योरिटीज है, राइट. चलिए देखते हैं. सो इम्प्योरिटीज आर ऑफ डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जिसको बोलते हैं, या तो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज. And the third one is a microorganism. Microorganism, इसको हम microbiological भी बोल सकते हैं या biological impurities भी बोल सकते हैं. Generally, virus, bacteria, ये सारे बहुत micro size के होते हैं, इसलिए उसको microbiology बोलते हैं. ठीक है? Now, dissolved impurity किसकी वजह से होती है पानी में? तो dissolved impurity होने के वजह होती है generally positive ions and negative ions, जो कि मिलते हैं हमको मिनरल्स में से, ओर्स में से, रॉक्स में. क्या होता है, हमने एक चैप्टर पढ़ा था 11th या 12th स्टैंडर्ड में, याद है तो, मेटलर्जी. मेटलर्जी में भी यही चीज हम पढ़ते थे कि रॉक्स में से आपको मिलता है मेटल मिलता है, या जो भी आपकी ओर्स जो मिलती है, राइट. तो वही रॉक्स पर से, ओनली फ्रॉम दोज रॉक्स, यू नो द वॉटर इज flowing, and because of that flow and that speed, some of the impurities from that rock or those rocks will be dissolved, will get solubilized in your water, right? So wo pani mein aa jati hai, to wo pani aapka impure ho jata hai. Basically impure water hi hota hai. Hum jo peete hai, mineral water peete hai, wo sara impure hi hai. प्योर वाटर का मतलब तो डिस्टिल्ड वाटर हो जाता है. एंड वी कैन नॉट ड्रिंक डिस्टिल्ड वाटर बिकॉज अवर बॉडी नीड्स सम मिनरल्स, सम यू नो आयंस, सॉल्ट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए थोड़ा बहुत. वो कहाँ से मिलेगा? पानी में से मिलेगा, जो रॉक्स में से आता है. सो दैट इज योर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर. दीज आर द सॉल्ट आयंस विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ you know carbonate, bicarbonate, sulfate, nitrate, fluoride and so on, right? So our water will contain these type of inorganic impurities, and because of that your water will get minerals, right? Acha, organic constituents kaise hote hain? Organic compounds bhi ho sakte hain usme se, inorganic ke sath organic bhi ho sakte hain. डिजॉल्व इंप्योरिटीज की बात हो रही है. नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो सोर्सेज हैं. देयर आर टू सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. वन इज अ नेचुरल सोर्स एंड अनदर इज अ इंडस्ट्रियल सोर्स. रिमेंबर, नेचुरल सोर्स कहीं से भी हो सकता है, जैसे कि नदी किनारे पे पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ में से कुछ पत्ते पानी में गिरते हैं, टूट के या सूख के या जो भी उड़के.
तो पानी आपका पत्ते लीव्स हैव नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंटेन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन इट सो हियर योर लीव्स और सम वेजिटेबल या फ्रूट्स और सम फ्लावर्स ये सारी चीजें पानी में गिरेगी तो पानी में वो डिजोल्व होगी तो नदी में भी उसका कंसंट्रेशन आएगा तो अल्टीमेटली वो आपका इंप्योरिटी तो है पानी प्योर तो नहीं है. अनदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इंप्योरिटी इज योर डेफिनेटली इंडस्ट्रीज द इंडस्ट्रीज विच आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट ह्यूमन एनिमल वेस्ट ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट भी नेचुरल सोर्सेज में हम आएंगे उसके ऊपर भी आऊंगा मैं आऊंगा उसके ऊपर भी आऊंगा ठीक है या सो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सोर्स क्या होता है तो इतने सारे केमिकल्स बनते हैं तो फैक्ट्रीज में भी पानी डिस्कार्ड होता है वो क्या करते हैं सीधा पाइपलाइन छोड़ देते हैं नदी में नालों में कहीं ना कहीं छोड़ देते तालाब में लेक में छोड़ देते तो अल्टीमेटली मेरा पानी खराब हो रहा है दैट इज अ प्रॉब्लम राइट सो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कैन बी मिक्स्ड विद वाटर बाय दीज टू सोर्सेस नेचुरल जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकता है या तो नेचर से भी हो सकता है और दूसरा जो ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसको हम बोलते हैं राइट. थर्ड डिजॉल्व्ड इंप्योरिटी में आता है गैसेस. वी नो दैट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर बेसिकली डिस्कार्डिंग द गैस इन एयर. ये एयर में ये गैसेस होते हैं कुछ गैसेस हैवी होते तो नीचे बैठ जाते हैं कुछ पानी के कांटेक्ट में आते तो वो डिजोल्व होकर अंदर चले जाते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है राइट HCl है. जनरली दीज आर द गैसेस लाइक SOx SOx सल्फर के ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स राइट कार्बन डाइऑक्साइड H2S HCl HBr लिस्ट इज देयर फुल लिस्ट इज देयर गैसेस का लिस्ट है जो कि जब फर्स्ट बारिश होती है फर्स्ट बारिश जब होती है तो होता क्या है फर्स्ट बारिश में ये सारे गैसेस जो एयर में है दोज गैसेस विल गेट डिसॉल्व इन वाटर और उसको हम क्या बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं. जो एरिया में ऐसी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज है which are actually, you know, discarding this type of gases in air, वहाँ तो बहुत ज़्यादा problem आती है, ठीक है? बारिश के time पे हर रोज की बारिश में वो acid rain होती है, क्योंकि आजू-बाजू में जितना पानी आ गया, ठीक है, अब फिर से जब बरसात बंद हो गई, then again they will start exhaling this all this, you know, discarding this all dangerous gases in air. Again बारिश आएगी दूसरे दिन वापस एसिड रेन आएगा. इसीलिए बोलते ना कि जब पहली बारिश आती है तो उसमें नहाना नहीं चाहिए. क्यों नहीं नहाना चाहिए क्योंकि इन एटमॉस्फेयर देयर आर नंबर ऑफ गैसेस एंड विथ वाटर रेन ड्रॉप्स दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड एंड बिकॉज ऑफ दैट रेन इज कॉल्ड एसिड रेन राइट. तो अगेन पानी तो पॉल्यूट हुआ ही हुआ आपका आपका ठीक है. सो दीज आर द डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज. नाउ अनडिजॉल्व और सस्पेंडेड इंप्योरिटीज क्या होती है तो इनऑर्गेनिक में भी होती है जैसे कि सैंड है क्ले है मिट्टी है जिसको बोलते रेत है ये सारी जो है वो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है. और जनरली कोई भी नदी नालों में जाओ कोई भी नदी में जाओ या कोई भी लेक में जाओ या यू विजिट एनी सी शोर राइट समंदर किनारे चले जाओ सैंड तो रहती है. भले ही चाहे कितना पानी एकदम नीट एंड क्लीन दिखे लेकिन आपका पानी में इसकी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती ही है जिसको हम क्या बोलते हैं कोलोइडल इंप्योरिटीज जिसको बोलते हैं राइट. सिलिका क्ले ऑर्गेनिक ये सारी चीजें कोलोइडल इंप्योरिटीज में आती है. अच्छा अभी जो हमने बात किया ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज इसमें जनरली सस्पेंडेड इंप्योरिटीज में आता है एनिमल मैटर वेजिटेबल ऑयल ग्लोब्यूल्स ये सारी चीजें जो है सस्पेंडेड इंप्योरिटीज में आती है जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाती है
जैसे कि मैंने सिंपल सी बात बताई कि एक एक पेड़ है जो नदी किनारे पे है, ठीक है, तो वो पेड़ में से कुछ फल या फ्लावर्स गिरे या पत्ते गिरे नदी में, तो वो भी आपका पानी तो पोल्यूट करेगा ही, क्यों, क्योंकि पानी में वो पत्ते और फल जाएंगे, थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, सो दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ यू नो पोल्यूशन, बट दैट इज अ नेचुरल थिंग, सो इट इज ओके, इट इज अ बायोडिग्रेडेबल थिंग. एनिमल मैटर, कुछ कुछ रिलीजन में ऐसा भी होता है कि डेड बॉडीज को वो लोग बहाते हैं, पानी में बहा देते हैं, मुझे नहीं पता है कौन से रिलीजन में ऐसा होता है, कुछ में दफनाते हैं, कुछ में जलाते हैं, कुछ में ये नदी में या तो समंदर में डाल देते हैं, राइट, तो वो भी तो एक, आपको पता है कि गंगा में भी ऐसा होता है, गंगा नदी में भी बहुत सारे डेड बॉडीज को मतलब ऐसे डाल दिया जाता है, बहा दिया जाता है ना सर, ऐश चली हुई राख डालते हैं ना पानी जली, नहीं पूरा पूरा डेड बॉडी भी डाल देते हैं, ऐसी ऐसा है, ऐसा डेड बॉडीज भी डाल देते हैं, ठीक है, पूरा डेड बॉडी भी डाल देते हैं, एंड डेफिनेटली राख तो डालते ही हैं, राख तो डालते ही हैं, राइट, दैट इज करेक्ट, सो अगेन अगेन इट विल पॉल्यूट, अगेन इट विल पॉल्यूट, अगेन इट विल पॉल्यूट the water, right? So that is there. Colloidal impurities जो है वो भी हो सकती है, क्योंकि colloidal impurities ना तो settle होगी ना तो ऊपर float करेगी, so that is also possible, right? जैसे कि muddy water है तो आपको पता चलेगा कि muddy water कभी भी neat and clean नहीं दिखता है, जैसे कुछ कुछ ऐसे rivers होती हैं, कुछ समंदर होते हैं, ठीक है, where the water is very very crystal clear, बहुत ही क्लीन होता है पानी, एकदम नीचे का पत्थर भी गिन सकते हो आप, लेकिन ऐसी भी रिवर होती है जहां पर पानी को आप मतलब मड़ी हो दिखेगा, कितना भी कर लो ऐसा नहीं कि बैट पड़ा रहेगा तो सेटल हो जाएगा, वो ऐसे ही गंदा ही दिखेगा, तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आर ऑल्सो देयर. अगर आप यहाँ पर चले जाओ भरूच साइड या अंकलेश्वर साइड, तो वहां नर्मदा का पानी देखो आप, आपको नर्मदा का पानी कभी नीट एंड क्लीन नहीं दिखेगा, वहां वो कॉफी कलर का या तो ब्राउन कलर का पानी ही दिखेगा, क्योंकि नीचे पूरा मड है और उसकी वजह से वो पूरा ऐसे ही दिखता है, और फ्लोइंग वाटर है तो धीरे धीरे वो मड उसमें ही मिलता ही रहता है, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. द मोस्ट डेंजरस इम्प्योरिटी इज अ माइक्रो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत बड़ी और बड़ी बहुत ही यू नो डेंजरस इम्प्योरिटी है ये, मतलब ये है कि ये इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा आपके लिए खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये आपको बीमार कर सकती है सबसे ज्यादा, बैक्टीरिया वायरस फंगस ये सारी चीजें जो है वो आपको बीमार कर सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अर्थवर्म्स हैं, वो सारे पानी में रहते हैं, तो उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, ये सारी चीजें. All these are the problems, and because of these problems, we need some treatment. We need some solution to get the pure water, right? This is the main reason. Now there is nothing to take with the mechanical or electrical or anything. ये सबको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत. That's why this chapter is there in your course. Now let's take one thing that. What is hardness? हमको पता है कि hardness है, लेकिन hardness है क्या? So hardness is a basically characteristic of a water or property of water which will prevent the leather formation or foam formation with soap. साबुन के साथ झाग बनता है, foam बनता है. अगर आपका hard water है तो वो नहीं बनेगा, ठीक है, सॉफ्ट वाटर है तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, फर्स्ट क्लास बनेगा. उसका दूसरा एक वन लाइनर डेफिनेशन देना है तो हार्डनेस क्या है? हार्डनेस इज डिफाइंड एज अ सोप कंज्यूमिंग प्रॉपर्टी और कैपेसिटी ऑफ वाटर. इफ आई विल से मेरा ये पानी, दो पानी के नमूने हैं मेरे पास, आई हैव टू सैंपल्स ऑफ वाटर,
इन फर्स्ट सैंपल आई कैन वेरी इजिली इन अ वेरी वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर आई कैन प्रोड्यूस वेरी गुड इनफ क्वांटिटी ऑफ फोम लेदर झाग बन जाता है. और दूसरे में मैं पूरा आधा पौना ग्लास डाल देता हूँ, आधा साबुन घिस देता हूँ, फिर भी झाग बनता ही नहीं है, फोम बनता ही नहीं है. दैट मीन्स दैट दैट वाटर इज हार्ड एंड द फर्स्ट वन इज योर सॉफ्ट वाटर. क्योंकि हार्ड वाटर जो है बेसिकली क्यों होता है, बिकॉज हार्ड वाटर. यस सर. सर आई एक्चुअली मिस्ड लेक्चर बिकॉज आई गॉट लिंक ऑफ डिसंबर 1st. आई थॉट द लेक्चर वाज डिसंबर 1st. इन ईमेल इट वाज रिटन डिसंबर 1st. नो नो. यस सर आई गॉट मेल. कोई बात नहीं, हो जाएगा, चिंता मत करो. इसका लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, चिंता मत करो. ओके सर, डोंट वरी. अभी ज्यादा चला ही नहीं है, अभी जस्ट सेकंड पॉइंट ही चल रहा है, डोंट वरी. ठीक है, इसका 30 तारीख के बाद आपको सारी चीजें मिल जाएगी. अगर वेबएक्स में अकाउंट है तो आपको रिकॉर्डिंग्स वहीं से मिल जाएगी 30 तारीख के बाद सारी. ठीक है, चिंता मत करो. ओके सर. नहीं होगा तो फिर 30 के बाद मैं भेज दूंगा आपको. ठीक है. ओके. सो प्रेजेंस ऑफ योर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इट विल इम्पार्ट द हार्डनेस. जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो होते हैं वो आपकी हार्डनेस को प्रोड्यूस करते हैं पानी में, राइट. इसके अलावा भी एल्यूमिनियम है, आयरन है, मैंगनीज है, ये भी है, बट मैक्सिमम पार्ट इज योर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. रिमेंबर, टिपिकली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का क्लोराइड या तो सल्फेट या तो नाइट्रेट्स या तो फॉस्फेट्स, ये आयन्स या ये सॉल्ट्स अगर हैं तो दो सॉल्ट्स विल यू नो इम्पार्ट द हार्डनेस इन योर वाटर. बाइकार्बोनेट हैं, कार्बोनेट हैं. तो बेसिकली आपका साबुन क्यों ज़्यादा यूज होता है? देखो, अच्छा पानी है तो साबुन ज़्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन हार्ड वाटर है तो साबुन ज्यादा घिसेगा या कम झाग मिलेगा और ज्यादा घिसेगा. इसका रीजन है दैट बाथिंग सोप्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ नो स्टीयरेट, स्टीयरिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो. सो हियर द रिएक्शंस आर शून दैट इज सोडियम स्टीयरेट C17H35COONA. And that will react with calcium chloride. Calcium chloride. So CaCl2, उसके साथ react करके आपका calcium stearate बनाता है which is insoluble. And sodium chloride बना देता है which is soluble. तो इसका आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं experience किया होगा. जैसे कि when we go for the hilly areas, जैसे कि कुल्लू मनाली हिमाचल शिमला आसाम कश्मीर, वहां पर क्या होता है, वहां जाते हैं तो बहुत लोगों का पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहां का पानी डाइजेस्ट नहीं होता है, थोड़ा हार्ड होता है. ठीक है, इसकी वजह से होता है. तो ये प्रॉब्लम है, ये हार्डनेस का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बहुत ज्यादा सॉल्ट होते हैं. ठीक है. अच्छा, आप लोगों ने एक चीज शायद नोटिस की होगी कि जब हम समंदर में नहाते हैं और उसके बाद अगर घर आके नहाते हैं पानी में तो साबुन घिसना पड़ता है लेकिन झाग नहीं होता है. स्विमिंग पूल में भी कभी कभी ऐसा होता है. स्विमिंग पूल में भी हम नहाते हैं, स्विमिंग करके बाहर जाते हैं, फिर साबुन लगाते हैं, साबुन अप्लाई नहीं होता है, या तो घिस जाता है लेकिन झाग नहीं होता है. ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ दैट हार्डनेस. क्योंकि आपके समंदर के पानी में काफी सारे सॉल्ट होते हैं, जो सॉल्ट आपके बॉडी की स्किन पे, देर आर लेयर्स ऑफ सॉल्ट एंड व्हेन यू विल अप्लाई योर सोप तो सोप का यही हाल होने वाला है बिकॉज कैल्शियम स्टीयरेट जो बनता है ये वाला वो इनसॉल्युबल है. सो व्हेन यू विल अप्लाई, व्हेन यू विल रब दैट सोप ऑन योर बॉडी, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग फोम यू विल फाइंड दैट ऐसे मतलब मैल निकल रहा है, ऐसा लगेगा डर्ट निकल रहा है. यू विल फाइंड सम डर्ट ऑन योर स्किन. आप लगेगा यार समंदर का पानी तो बहुत गंदा था, इतना मैल निकल रहा है, बाप रे बाप, अभी फिर से नहीं नहाएंगे. ऐसा नहीं होता है. बेसिकली समंदर में जो सॉल्ट्स हैं, दो सॉल्ट्स आर देयर ऑन योर बॉडी एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग द सोप, जनरली दे आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स और
जनरली देयर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन द सी. सो आपका जो सॉल्ट है वो कैल्शियम, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होगा, डेफिनेटली होगा समंदर में, नॉट ओनली सोडियम. दैट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विल स्टार्ट गेटिंग प्रेसिपिटेटेड विद दैट सोप, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड दैट इवन आफ्टर रबिंग अ लॉट, इवन आफ्टर रबिंग अ लॉट यू विल गेट यू नो डर्ट ऑन योर स्किन, और आपको लगेगा समंदर के पानी में बहुत गंदा है, ऐसा नहीं है. फॉर दिस द सोल्यूशन इज व्हेन यू टेक अ बाथ इन सी वॉटर और स्विमिंग पूल, सो बिफोर अप्लाइंग सोप, रिमेंबर पानी से पूरे अच्छे नीट और नीट और फ्रेश वाटर से पहले नहाइए आप अच्छे से, तो जो आपके बॉडी पे लेयर्स बने होंगे या जो भी आपका सॉल्ट लगा होगा वो पूरा वॉश हो जाएगा, एंड देन यू अप्लाई सोप, सो यू विल गेट वेरी गुड फॉर्म एंड द बॉडी विल बी क्लीन प्रॉपरली, नो प्रेसिपिटेट्स विल बी फॉर्म विथ योर स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट, राइट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस ऑल थिंग्स, क्योंकि ये चीजें हमको पता ही नहीं होती और हम साबुन घिसे ही जाते हैं. अरे भाई पहले उससे बेटर है कि आप पहले अच्छे से बाथ ले लो फ्रेश वाटर से, एक बार पूरा बॉडी धुल चुकेगा उसके बाद आप साबुन अप्लाई करो, दैट विल बी बेटर, राइट. सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन योर वॉटर. सो बेसिकली आपके पास हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का कंपेरिजन है. What is that comparison of hard and soft water? So hard water does not produce leather or foam, or Hindi में उसको झाग बोलते हैं, गुजराती में फीण कहवाए, फीण, right? Hard water contains dissolved salts of generally calcium and magnesium. Remember sodium के या potassium के salts अगर dissolved है तो उसको हम hard water नहीं बोलते हैं, ठीक है. ओके, सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर किसको बोलते हैं, जो कि आपके साबुन के साथ बहुत ही बढ़िया से आपकी फोम प्रोड्यूस करे, सो दैट इज योर सॉफ्ट वाटर. लेदर फॉर्म्स इजीली एंड डज नॉट कंटेन एनी डिसॉल्व्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, राइट. सो बेसिकली आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये सारी चीजें हमने आज देखी. शुरुआत हमने यहाँ से की थी, जस्ट फॉर दी रीकैप, ये आपका कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, हार्डनेस ऑफ वाटर और डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस, ये सारी चीजें. ये बुक में भी काफी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है. आपको जो बुक्स बताई गई थी, शशि चावला, जैन एंड जैन, शिबू पिल्लाई, ये सारी बुक्स जो है अवेलेबल है, तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें मिलेगी, ठीक है. Then we have gone through the introduction of water, के water कहाँ कहाँ use होता है, कैसे use होता है, उसमें कितने percentage possible है water जो readily available है for पीने के लिए, ठीक है. So this is there, and these are the sources of water which we have discussed, rain water, surface water and ground water. ग्राउंड वाटर में काफी सारे आ सकते हैं, लिख सकते हो स्प्रिंग वाटर, वेल वाटर, स्टेप वेल वाटर, बोरिंग, बोरवेल, वो कर सकते हैं, ठीक है. एंड दीज आर द इम्प्योरिटीज इन्वॉल्व इन वॉटर विच वी हैव टू ट्रीट. हमारा जो मेन फोकस रहेगा अपने चैप्टर में वो इसके ऊपर रहेगा, ये वाला फोकस, ये पूरा फोकस रहेगा इसके ऊपर, ये स्लाइड पे फोकस रहेगा हमारा, इम्प्योरिटीज को कैसे निकालें, बिकॉज अवर चैप्टर नेम इज वॉटर ट्रीटमेंट, राइट. वॉटर और वॉटर ट्रीटमेंट, वॉटर एंड इट्स ट्रीटमेंट, तो डेफिनेटली जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं so we have to look into the matter regarding the impurities. Impurities को निकालोगे तो pure हो जाएगा पानी, ठीक है. और उसके बाद हमने hardness का meaning समझा कि hardness क्या है, what is hardness, how hardness is formed, what are the characteristics of hardness and what happens when hard water will get into the contact with your soap. Types of water, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ये हमने पढ़ा, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है,
अच्छा ये मुझे बताओ कि हम जो पीते हैं पानी, वो सॉफ्ट वाटर पीना चाहिए या हार्ड वाटर पीना चाहिए, बताओ मुझे। सॉफ्ट वाटर वाटर सॉफ्ट वाटर सॉफ्ट वाटर सॉफ्ट वाटर। चलो आपको पता ही नहीं है, इसका मतलब हम लोग कभी भी सॉफ्ट वाटर मतलब के डिस्टिल्ड वाटर नहीं पीते हैं। डिस्टिल्ड वाटर इज द सॉफ्ट मोस्ट सॉफ्ट वाटर, राइट। यस डिस्टिल्ड वाटर हम पी नहीं सकते हैं बिकॉज यस अवर बॉडी रिक्वायर यू नो मिनरल्स, अवर बॉडी रिक्वायर सम सॉल्ट, और ये सारा पानी नहीं मिलता है। नो डाउट सम ऑफ द यू नो वेजिटेबल्स आर देयर, मिल्क इज देयर, बहुत सारी चीजें हैं, बट पानी बहुत जरूरी है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिस्कशन करने वाले के आजकल के पानी में क्या डिफरेंस है और इस पानी को क्या प्रॉब्लम है और किस किस चीज की वजह से होता है ये प्रॉब्लम, ठीक है। सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर बी देयर एंड बी अटेंटिव। आई आई होप आप लोगों को बोर नहीं किया है मैंने चीजों में। आर यू बोर्ड? नो सर नो सर देखो नो दिल रखने के लिए नहीं बोलने का मेरा, ठीक है। मैं ऐसा आदमी नहीं नहीं हूँ सर, ऑनेस्टली कि स्पीकिंग सही खाली सर। सर को खुश करने के लिए बोल दो, ऐसा नहीं। मैं आई एम नॉट लाइक नो सर दैट, राइट। नहीं सर, सर जब होंगे तो बता देखो देंगे। नो हाँ कभी कभी सर ऐसा होता है, देखो कभी सर कभी डिपेंड्स आपका ऑन टॉपिक गलत सर, नहीं बोलेंगे सर, हाँ क्या टॉपिक के क्या ऊपर डिपेंड करेगा इंटरेस्टिंग है कि हाँ नहीं। या इट इज अगेन देयर, राइट, इट इज अगेन देयर। बट आई विल ट्राई टू मेक एनी टॉपिक इवन लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक ऑल्सो मोर इंटरेस्टिंग सो दैट आपको वो चीज समझने में मजा आए। अच्छा आज मैंने पढ़ाया, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मैंने केमिस्ट्री पढ़ा दी, ये बताओ। मैंने मैंने बहुत सिंपल चीजें बताई है जो हमारे रूटीन लाइफ से जुड़ी हुई है, एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू दैट दिस केमिस्ट्री सब्जेक्ट इज इन दिस इंजीनियरिंग वेयर वी आर लर्निंग एप्लीकेशन केमिस्ट्री, इट्स नॉट अबाउट एनी ब्रांच स्पेसिफिक। यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी ब्रांच, स्टूडेंट शुड लर्न दीज टाइप ऑफ थिंग्स। अभी मैं और भी इतनी सारी बातें करने वाला हूँ आगे के लेक्चर्स में जो आप लोगों को पता ही नहीं है, और आप लोगों को समझ में आएगा कि अरे बाप रे ये चीजें हमें हमें पता ही नहीं और हमको जाननी चाहिए। इवन दो वी नो लॉट ऑफ केमिस्ट्री, वी डो नॉट नो वेरी बेसिक केमिस्ट्री, वी डो नॉट नो वेरी सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग बातें करेंगे हर हर लेक्चर में, राइट। और हर लेक्चर में आपको मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजों को बताता जाऊंगा, और आपका सब्जेक्ट चैप्टर कहाँ खत्म भी हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और आपको लगेगा नहीं कंफर्टेबल है। वी आर कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर्स, राइट। अच्छा और एक चीज मुझे बतानी है कि बिकॉज एज वी नो दैट वी आर लेट, लिटिल लेट, आई आई नॉट से लिटिल लेट, वी आर वेरी लेट, राइट। बेसिकली ये जो आपका सेमिस्टर है वो अगस्त में चालू हो जाता है, जुलाई अगस्त में चालू हो जाता है, राइट। सो वी आर लेट बाय अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर एंड नवम्बर ऑलमोस्ट, ये नवम्बर भी खत्म होने वाला है, 3 साढ़े 3 महीने हम लेट हैं, ठीक है। एंड दैट्स वाई सम यू नो थिंग्स विल गो ऑन लिटिल बिट फास्ट ट्रैक ऑल्सो। सो इन फ्यूचर रिमेंबर ऑनलाइन क्लासेस में मैं कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी कंडक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीट करना है हमको, तो एक्स्ट्रा लेक्चर्स के लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा, अभी से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा लेक्चर भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मजा नहीं आएगा और आप भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो चीज़ मैं 15 मिनट में बता सकता हूँ, ठीक है, वो मैं 5 मिनट में बताऊंगा तो कैसे मजा आएगी, ये चीज समझो, ठीक है। दैट इज द थिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू, अभी से बताता हूँ कि यू प्लीज एंजॉय द सब्जेक्ट एंड प्लीज रेडी विथ द एक्स्ट्रा लेक्चर्स, क्योंकि आपने वैकेशन तो बहुत मना लिया, एंजॉय भी कर लिया बहुत, इतने महीने एंजॉय कर लिया, राइट। अब थोड़ा सा पढ़ाई पे भी थोड़ा सा हम ध्यान देंगे बिकॉज नाउ इट इज अ कैरियर, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा स्कोर करो, अच्छे क्रेडिट्स लाओ एंड अच्छा प्लेसमेंट लो। अगर आप बाहर जाने वाले हो पढ़ने के लिए तो भी अच्छा क्रेडिट लेके जाओ, निर्मा का नाम अच्छा करके जाओ, राइट, अपना खुद का नाम अच्छा करके जाओ, दैट्स द रीजन, राइट। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम ऐसे मतलब
क्या बोलते हैं ना, आउट ऑफ द टॉपिक भी बात करेंगे चीजों की, क्योंकि वो भी जाननी जरूरी है एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट. तो देर आर लॉट्स ऑफ यू नो इंटरेस्टिंग लेक्चर्स इन अ क्यू वेटिंग फॉर यू, राइट? सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द लेक्चर. थोड़ा आज लेट हो गया था, 5-6 मिनट मेरा, राइट? एक मिनट, क्या लिखा है, एक मिनट, कुछ बच फटाफट आ रहा है बच्चों का रिप्लाई. लैब एक्सपेरिमेंट की पीडीएफ का नेम 20EME002_exp01, ईएक्सपी के बाद आपका स्पेस जाएगा और 01 आएगा, ठीक है? यस, चलेगा, लेकिन अभी नहीं भेजना है, वो तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, राइट? डोंट वरी, कोर्स पॉलिसी की आपको बुकलेट मिल जाएगी पूरी, सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएगी, पूरे पूरे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का पूरा मिलेगा आपको, टेंशन मत लो उसकी. अगर हार्ड कॉपी नहीं मिल पाई तो हम लोग आपको सॉफ्ट पूरी कोर्स पॉलिसी आएगी जिसमें हर एक सब्जेक्ट का हर चीज आएगा, ठीक है? और निर्मा की बुकलेट भी आएगी आपकी, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस होंगे जो हम लोगों ने शुरुआत में समझे थे, जो क्या बोलते हैं कैलकुलेशन कैसे होता है, क्रेडिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, एंड देन मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, स्कीम्स क्या होती है, ये सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है? तो थोड़ा वेट करो बेटा, क्योंकि अभी एडमिशन चल रहे हैं, 30 तारीख तक एडमिशन प्रोबेबली खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सारे एडमिशन लॉक हो जाएंगे, एंड देन दे विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑल द स्टफ. देखो, आपका जितना हक है ना, आपको सब कुछ मिलेगा, चिंता मत करो, निर्मा आपको सब कुछ देगी. निर्मा ये सारी चीजों में ऐसी है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, आपको अगर बोला है कि ये मिलेगा तो मिलेगा, राइट? और ये बोला है कि ये नहीं मिलेगा तो फिर कैसे भी कर लो, नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है. देयर इज वेरी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, ठीक है? और इसके लिए थोड़ा वेट कर लो, एक आध वीक, कितना वेट किया है तो एक आध वीक, एक डेढ़ दो वीक और वेट कर लो, आपका सब कुछ, आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस के सारे आंसर्स मिल जाएंगे. इसके लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एंड अल्टीमेटली आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है? कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, मैं हमेशा ही आपके साथ ही हूँ. तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी आप लोग मुझे मेल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैंने मेल आई डी अपना दे दिया था, बट स्टिल इफ देर आर सम न्यू स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू माई मेल आई डी अगेन. सर सर, राख होती है, राख ऐसे वो ऑर्गेनिक होती है ना? नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, सेकंड चैप्टर में ये पढ़ना है हमको, फ्यूल के अंदर ये पढ़ाएंगे हम लोग. बट जो देखो, याद रखो, ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, वो हमेशा कंबशन हो जाता है. हाँ, कुछ ऑर्गेनिक मैटर लो टेम्परेचर पे होते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर पे होते हैं, लेकिन जो एशिस बचती है ना, वो जनरली इनऑर्गेनिक्स होते हैं. इनऑर्गेनिक जनरली जलते नहीं है, कुछ इनऑर्गेनिक को छोड़ दो, बट बाकी के इनऑर्गेनिक्स जलते नहीं है, सॉल्ट्स और वो सारे चीजें जलते नहीं है, ठीक है? वो हम करेंगे, वो भी आपके सेकंड चैप्टर में आएगा, चिंता मत करो, ठीक है? आपके इसमें सब कुछ हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट?